मौसम का पूर्वानुमान के अनुसार 7 जून तक लू चलने का पूर्वानुमान लगाया गया। इसके व्यापक प्रचार प्रसार जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया, अपने सोशल मीडिया साइट्स में हम लोग लगातार दे रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि तिथि वार पूर्वानुमान जो प्रसारित किया जा रहा है उसका अच्छे से ध्यान से देख लें, और यह जरूरी है कि लू के दौरान सुबह 10:30 बजे से 3:30 बजे 4 बजे तक बहुत जरूरी है तभी घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलने का अगर जरूरत है तो कई सारे जो सावधानियां बरतना चाहिए उस सब का पालन करें। लूज कपड़े पहनने, बार बार पानी पिए, गर्म पदार्थ ना ही सेवन करें, सर को ढककर रखें। इस पर कई जो सावधानियां जो हैं हम लोग लगातार प्रसारित कर रहे हैं। इसके अलावा घर में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए और सेहत को लगातार एक स्वस्थ स्थिति में रखने के लिए, ताकि लू का असर कम से कम पड़े, इसके लिए भी उपाय लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं। मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा, इन सब संदेशों को लगातार आप लोग फॉलो करें। एक तो पूर्वानुमान का जरूर देखें कौन सा तिथि में इस प्रकार का पूर्वानुमान है, और काफी सावधानियां बरतना होगा। हम लोग जानते हैं 2019 में गया और आसपास जिला में यहाँ तक लू का असर पड़ा कि 16 जून को गया जिला में लगभग 38 लोगों का मृत्यु हो चुकी है। कल हम टेम्परेचर देख रहे हैं कि इमामगंज में 43.6 डिग्री तक पहुंचा है। इसलिए हम सबको मिलकर करके इस मौसम के द्वारा हम लोगों को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रशासन की, सरकार की जो मैसेजेस हैं, जो क्या करें क्या ना करें टाइप का जो संदेश दिए जाते हैं, उसको गंभीरता से अपने लें और दूसरे को भी बताएं। जो बूढ़े बुजुर्ग या शरीर में किसी को कोई परेशानी, और जरूर जो है 11 से 4 बजे के बीच में नहीं निकले। तो स्कूल्स और आंगनबाड़ी के टाइमिंग्स पर हम लोग लगातार निगरानी बनाए रखे हैं, और जैसे परिस्थिति बनेगी उसका हम लोग एडजस्ट करेंगे। आपका कोई भी सुझाव हो या आपका कोई भी शिकायत हो या कुछ आप और जानकारी लेना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में आप संपर्क करके